गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, आप तो अपना ख्याल रखिए और ठंडी चीज़ें कम खाइएगा। बट मैं आज ठंडी चीज़ें ही बना रही हूँ, कढ़ी बना रही हूँ आज मैं। तो मुझे लौकी की कढ़ी बनानी है। सुबह का 9:30 हो गया है, सब खाने का वेट करेंगे एक घंटे बाद। लौकी कढ़ी है, लौकी के लिए लौकी पतली होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी है, बट मेरे पास लौकी पतली थी नहीं, तो मैं उसे ऐसे स्क्वायर शेप पे मतलब ऐसे काट ली हूँ। लौकी थोड़ी बड़ी और मोटी थी हमारी, इसलिए ऐसे कटी है। तो कढ़ी जल्दी बनानी है तो आप गैस तो दो ही होते हैं, चूल्हे दो होते हैं, तो दो आप दोनों तरफ, एक तरफ आप लौकी को सिलाने के लिए एक टंगा दीजिए और एक तरफ कढ़ाई पेस्ट बनाने के लिए उसको टंगा दीजिए। तो मैं दोनों ही कढ़ाइयाँ टंगा चुकी हूँ। आप देखिए इसमें कढ़ी बनेगी और इस पर लौकी हम तलेंगे। तो लौकी तलने के लिए, लोबर बनाने के लिए पहले से क्या करना है, एक ऐसे कोई भगोना लेना है जिस पर बेसन डालना है पहले। तो हमें दोनों ही चीज़ों के लिए गोल बनानी है, एक लौकी के तलने के लिए तो ये है बॉल, उसमें हम ये 2 कटोरी बेसन ले लिए और 1 कटोरी बेसन हम इस पे डालेंगे जो मठे का बैटर बनाएंगे। थोड़ा सा और आप ले सकते हैं जितना आपको बनाना है। अब इस पे मठा डालिए, पहले हम कढ़ी वाला बैटर बना रहे हैं उसमें डालनी है हल्दी और पानी डाल के इसे एक अच्छे स्मूथ बैटर बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा कढ़ी का बैटर जो हमें कढ़ी के लिए डालनी है। और अब ये है जिसपे लौकी तलना है, ये है बेसन, इसमें भी डालना है हल्दी, तो अब ये डालेंगे नमक, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी पानी। तो ये बैटर तैयार हो गया है। ये थी जितना गाढ़ा ही रहेगा तो अच्छा है, बहुत गाढ़ा भी नहीं ना ही बहुत पतला। तो इसमें हम डालेंगे कुछ लौकी, तेल गरम हो चुका है, इसे हम पकौड़े की तरह सिला देंगे। तो पकौड़े तलने के लिए हमने डाल दिए, उसमें कढ़ी के पड़ते के लिए तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे राई, मेथी दाना और अभी थोड़ी सी अदरक और लहसुन। लहसुन ब्राउन हो चुकी है, इसमें डालेंगे मिर्ची, इसमें हम डालेंगे हींग, हींग लास्ट में डालना नहीं तो फिर जल जाएगा। तो हम इसमें बैटर डाल दिए, बेसन बाद में गाढ़ा हो जाएगा खान, तो उसमें पानी डालना है। नमक डाल देंगे, कढ़ी बाहर उफान ना आए क्योंकि इसमें हम एक कटोरी छोटी सी डाल देंगे, तो ये कढ़ी हमारी लगी नहीं। पकौड़े हमारे पास चुके हैं,